हेलो नमस्कार दोस्तों, आज अभी 3 तारीख को ही 3/5/2023 को HSSC द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। जैसा ही आपके सामने नोटिस पहुंच गया होगा भाई, इसमें बताया गया है जो आप 5 नंबर का जो ले रहा हो, नो जॉब वाला 5 नंबर ले रहा हो, जिसके घर में कोई सरकारी जॉब नहीं है, आपने पहले बताया गया तो गांव को नंबरदार, फिर उसका पटवारी और फिर तहसीलदार से आपको सिग्नेचर करवाने थे, अटेस्ट करवाना थो, वो भाई साहब कैंसिल कर दियो, आप कर दियो सेल्फ अटेस्ट कर दियो। आप उसने सेल्फ अटेस्ट भी कर सको हो, और देखो लास्ट तारीख है 5 मई है और अभी 3 तारीख ने ये बताई सेल्फ अटेस्ट करना है। यार सरकार से रिक्वेस्ट है, ताऊ मनोहर लाल जी खट्टर से रिक्वेस्ट है, चाहो के सोता मैं यह बता दियो बच्चा, पहले तो कहेगा पटवारी कन करवा के लाओ, सरपंच कन करवा के लाओ, लंबड़दार कन करवा के लाओ, तहसीलदार कन कराओ, अरे काको डीसी कने भी करवा होगा कि ये बताओ माने के चाहो के सो तुम। अब इतना दुखी हो गए, बाढ़ के लाइन लाग रहा था कोर्ट में, बहुत भयंकर भीड़ थी भाई पटवारी कोर्ट कने, और अन्न एक तो छोटो मैसेज छोड़ दियो कि भाई सेल्फ अटेस्ट चलेगा। अब 2 दिन में कौन सी प्रॉब्लम आएगी भाई, अन के 3 तो चली गई आज, 4 और 5 में अब इतनो काम करो से तो सेल्फ वाली कौन सी प्रॉब्लम आएगी, के तो सोच का अपनो दिमाग लगा कर डिसीजन लिया करो, के तो भाई न करो सेल्फ अटेस्ट ही चलने दिया करो पहले ही, जो नियम लागू करना है, या फिर इन तहसीलदार पटवारी और नंबरदार का नहीं काम चलने दो। दुखी कर रखे भाई, जमा दुखी कर रखी ताऊ खट्टर ने। 21वीं तो कोरोना आएगो थो, 3-4 साल वो लेगो बालका एज ने, उम्र वैदा निकल रही है कि मैं ताऊ खटरन में कोर्ट में पटवारी तहसील जहां कोर्ट में घुमाए घुमाए कर मैं इसका एड देवो। दुखी हो रहे हैं बाढ़ के भाई, जमा दुखी हो रहे हैं। आज मैंने इतना बाढ़ के मिला था और वे सब बता रहा था, बोलो या प्रॉब्लम चाली के करो जाओ भाई, तारे साथ कोने हर इंसान के साथ हर बच्चा के साथ यह प्रॉब्लम चल रही है, बाकी आप समझदार सो। देखो सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूं हूं कि तो अपना एक ही स्थान पर टिकी रहे, कि तो यो ही नियम लागू करे कि स्टार्टिंग में ही सेल्फ अटेस्ट बोल दे कि भाई सेल्फ अटेस्ट करना है आपने। क्यों बार बार अपना नियम चेंज करे, कदे तो पटवारी के ने भेजे है, कदे तहसीलदार के ने भेजे, कदे नंबरदार के ने भेजे, अरे भाई एक जगह पर टिक जाओ आराम से, तम भी यार क्यों दुखी करो हमारे, कट कट घूमांगा इब लास्ट टाइम कैसे सेल्फ अटेस्ट करना उसे। ठीक है देखो मैं आपने एक चीज और बता दू भाई साहब, नेक्स्ट है आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है यह भी थोड़े ध्यान दियो, सेल्फ अटेस्ट तो हो ही गयो, डॉक्यूमेंट्स आपने बता दियो। देखो सबसे पहले भाई मैं आपने बता दू हूँ डॉक्यूमेंट्स में, देखो आज एक मैं साइबर कैफे पे पूछ के आया था, उसने बताया डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या करना है आपने। सबसे पहले तो भाई आपने 10वीं की जो आपकी सर्टिफिकेट है 10वीं की लगानी है, एक तो 10वीं की, ठीक है। उसके बाद है आपकी जो 12वीं क्लास है ना, 12वीं क्लास की भी होनी चाहिए आपके पास। फिर हम एक गलती करते हैं, ग्रेजुएशन ध्यान दियो भाई, ग्रेजुएशन की आपने जो जिस भी सब्जेक्ट की आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, हम कह रहे हैं ग्रेजुएशन में जो 6 सेमेस्टर है हमारा, छठा सेमेस्टर होता है उसकी टोटल वाली जो है ना जो सर्टिफिकेट वो लगा देते हैं भाई, टोटल वाली ध्यान दियो, अबकी बार थोड़ा चेंजमेंट करे हुए है, टोटल वाली ना लगाकर 6 की 6 सब्जेक्ट की लगानी है, सॉरी 6 की 6 डिग्री है ना आपकी, 6 की 6 डिग्री लगानी है आपकी बार। साइबर का फॉर साइबर जो कैफे है उस भाई साहब ने बताया कि मैं तो भाई 6 सेम के लगा दूंगा, कल आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है ना उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, तो ध्यान दियो भाई 6 सेम की न लगा के 6 की 6 जो सेमेस्टर है उनकी पीडीएफ आपको अपलोड करनी है अपने फॉर्म में, वरना आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और लिमिटेड सीट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये ग्रेजुएशन की है। उसके बाद भाई साहब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन की मैं आपने बता दूं, आपने 4 सेमेस्टर होते हैं पोस्ट के अंदर, तो आप गलती से 4th सेमेस्टर की टोटल वाली में अपलोड करियो। इसमें भी आपने क्या करना भाई साहब, चारों का चारों जो सेमेस्टर हैं वे अपलोड करनी पड़ेगी, पीडी बनवाओ इनकी और अन अपलोड करो, और इनको अपलोड करने के बाद भाई जो आपका EWS वगैरह जो सर्टिफिकेट है कास्ट वाली वो भी इसमें अभी अपलोड करने के लिए नहीं बोला है। एक आपने बता दूं ध्यान रखियो, इनके साथ साथ अगर आपने अदर कोई डिप्लोमो कर रखे हो, ITI वगैरह XYZ जो भी डिप्लोमो कर रखा है उनकी सर्टिफिकेट और लगा दियो, क्योंकि बार बार फॉर्म फिल ना हो, जैसे ही आप अपलोड करोगा आपकी वैकेंसी ना वे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगी आपकी, ठीक है। इसमें देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल मतलब शैक्षिक योग्यता वितरण पूछे हुए आपने, उसमें क्या बताया है, क्या आपके पास पदों के लिए आवश्यक योग्यताओं के अनुसार सामान्य योग्यताएं हैं,
आप जिस फॉर्म को फिल करोगा उसकी सर्टिफिकेट आपने योग्यता आपने है या नहीं इसमें पूछोगे। अगर आपने दसवीं है तो दसवीं की लगानी है आपने, अगर आपका प्लस टू की भी है दसवीं प्लस टू ऑटोमेटिक आपका जो फॉर्म ही वे निकल जाएगा आपने कौन कौन सा फिल करना है। ग्रेजुएशन ही आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप बी सी हो बी एस सी से हो ठीक है बी ए सी हो तो वे उस हिसाब से आपकी पोस्ट निकलेंगे भाई साहब। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आप लगाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट लगाओगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसियां निकल जाएंगी। अगर आप अदर सब्जेक्ट की वैकेंसी अगर अदर डिप्लोमा लगाते हो उसकी भी आपकी अदर डिप्लोमा में वैकेंसी निकलेंगी। अब देखो इसमें आपने फिल क्या करना भाई साहब, बोर्ड यूनिवर्सिटी पूछोगे आपने किस बोर्ड से की यूनिवर्सिटी की है, कौन सी ईयर में करी है, कौन सा आपका रोल नंबर सी, और आपको जो रिजल्ट आयो से वो कब आयो तो आपने यह पूछोगे एक बहुत बड़ी बात से ठीक है। और आपका टोटल कितना नंबर वहां से आया, 500 माही 600 माही, और फिर है मार्क कितना, कुल नंबर कितना आया, टोटल वहां से आपका कुल कितना नंबर आया, कितनी परसेंटेज है, ये आपने बेसिक बात आपने पूछा वो तो आपने भाई बताई से यहां पर ध्यान दियो। ग्रेजुएशन की 6 की 6 सेमेस्टर की सर्टिफिकेट लगानी है, और पोस्ट जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसकी भी आपकी 4 की 4 सेमेस्टर की लगवानी है, या थोड़ी ध्यान दियो। उसके बाद जैसे कंप्यूटर होगा उसके आप फैमिली आईडी होगी, उसके बाद जब भी आपकी एक्टिविटी है इसमें भाई साहब देखो यो दे रखे हो तो आपने परफॉर्म हो आज ही बना के ले आए थे इतनी भीड़ में दुखी होकर भाई साहब, और आज बनवा के लाए तो नंबरदार करने पटवारी करने तहसीलदार करने सब करने सिग्नेचर कराया भाई साहब, एंड ने एक छोटा नोटिस जारी कर दियो सेल्फ अटेस्ट, अब यो के काम आओगे पहले दिया बताओ माने यो लगावा कि ना लगावा, अभी अभी टेंशन है या लगावा सेल्फ अटेस्ट करा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सरकार मुंह चक्की ही घुमा रही है बालका की भी सही सारा ने सारा ध्यान दे लियो ठीक है। किमी तो पी कोरोना पीस गो सारा ने तने बेरोस है, कोरोना आए तो 3-4 साल दावा पीस गो सबकी चटनी बनाए वो, इब सरकार ताऊ खट्टर पीस रहे हो दाव जमा कसुत्ता ले रहे हो तारे स्वाद ठीक है, इब तारे आगे कार्रवाई है भाई दुखी आएगा। एक यो फार्म के साथ भाई अपन घोषणा पत्र एक पर्सनल भी लिखना पड़ेगा आपने कि भाई मैं इस प्रकार से ये है मैं सहमत हूँ, अगर भाई गांव को नाम यो फादर नाम यो है कि मैं घोषणा करता हूँ उसमें फॉर्म में ही निकला वो कि मैं अगर सरकारी नौकरी लाग भी जाऊँ अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत निकले तो भाई साहब मन पद से हटा दियो जाओ, ए मैं आपने कहीं सिग्नेचर नहीं कराना, इसके अंदर केवल आपने सेल्फ अटेस्ट करना है, उम्मीदवार है ना कैंडिडेट ही सिग्नेचर करेगा इसमें दोनों जगह, ऊपर हिंदी में लिख रखे हो है नीचे में इंग्लिश में लिख रखे हो। सबसे बड़ो प्रॉब्लम घंटी तो यह थी भाई तहसीलदार आली पटवारी आली और नंबरदार आली या घंटी तारीफ जिस भाई ने आपने ना भरियो ध्यान दे लियो उनको कैंसिल हो दियो सेल्फ अटेस्ट कर लियो भाई साहब ने ठीक है। आज के लिए सभी को नमस्कार, और भाई सरकार से रिक्वेस्ट करियो दोबारा से आप जो भी करो ताऊ खट्टा तक बात पहुंचा इतनी बात पहुंचानी है कि एक बार दुखी कर ले के तो उपलो सिस्टम राख ले के नीचलो सिस्टम के तो पटवारी कने तहसीलदार कने लंबरदार कने ही करवा ले फार्म, और लास्ट तक जो एग्जाम लास्ट डेट से उठे तक यही प्रोसेस रहने दे कि अपनो प्रोसेस एक बार ही राख, दुखी मत करा बालका ने, कन्फ्यूज हो रहे हैं बच्चा कि सेल्फ अटेस्ट करा या पटवारी लंबरदार कन करा। और आपने यह वीडियो सही लगी तो भाई जरूर बताइयो, मैं कहीं पर कोई गलती होगी तो भाई मैंने माफ करियो, मैं तारो छोटो भाई सुमित भारद्वाज और मैं आपका हमेशा साथ रहूंगा खड़े रहूंगा, और आज के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत।